हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर इन आरसीसी। आरसीसी के जो स्ट्रक्चर होते हैं हम उनमें क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करते हैं। आपने मेरी कवर की वीडियो देखे होंगे, पहले नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके। फ्रेंड्स, कवर हम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि बीम कॉलम स्लैब में और फुटिंग्स में हम 15 to 20 mm, 25 to 30 mm एंड 75 mm तक हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो कवर हैं ये थोड़ा डिफरेंट है, क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर, जो कि डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या है। हम बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और सीधे वीडियो में चलते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चलते हैं अपने वीडियो पे। पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स हम कि क्लियर कवर होता क्या है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ आउटर, हमारा जो एक मेंबर होता है इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये आप मेरे कर्सर पर ध्यान दे सकते हैं, हमारा ये कवर प्रोवाइड कर दिए। तो क्लियर कवर हमारा ये होता है कि जो रेनफोर्समेंट है उसका जो मेंबर का जो आउटर पोर्शन है मतलब बाहरी हिस्सा, तो उसको लास्ट कवर से जो हम अंदर लेते हैं उसे हम क्लियर कवर कहते हैं, जो स्टिरप्स के आउटर पोर्शन पे होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड है हमारा नॉमिनल कवर। फ्रेंड्स, नॉमिनल कवर जो है ये हम आईएस कोड के हिसाब से बात करते हैं, लेकिन ये भी सेम क्लियर कवर ही है क्योंकि आईएस कोड और डिज़ाइन की लैंग्वेज में हम इसे नॉमिनल कवर कहते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर हमने पढ़े हैं दो, लेकिन ये तीसरा कहां से आ गया है या फिर क्वेश्चन हो जाता है, तो उसके लिए आप यहां से आंसर दे सकते हैं। सीधे चलते हैं हमारे थर्ड, इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर फ्रेंड्स जो होता है कि ये आप डायग्राम में देख के समझने की कोशिश कीजिए, अगर इसकी हम कैलकुलेशन पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे एंड हम इसकी डेफिनेशन पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं क्योंकि डेफिनेशन से बेहतर आपको इसमें समझ में आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कर्सर पर देख सकते हैं कि हमने जो देखे थे क्लियर कवर वो हमारा ये आउटर पोर्शन पे था, यानी इस पोर्शन से लेके ये यहाँ पे आपका क्लियर कवर ही दिख जाएगा। और इफेक्टिव कवर की बात करें तो उसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि हमारा जो आउटर पोर्शन जो रहेगा कंक्रीट का वो तो सेम पोजीशन पे रहेगा, लेकिन जो हमारा इनर पोर्शन आएगा मतलब जो आपका डायमेंशन होता है यूज़ करते हैं हम डिज़ाइन के लिए, तो वो जो टेंशन और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का जो जोन होता है उसमें हम जो इनर फेस होता है वहाँ तक हमारा जो जाता है वो होता है इफेक्टिव कवर। इसको इफेक्टिव कवर जो है हमारा इक्वल क्लियर कवर प्लस डाया ऑफ स्टिरप्स बाय लिंक्स प्लस 0.5 डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव कवर बराबर ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव डेप्थ, इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिंपल सी जानकारी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।